सब्सक्राइब करें छड़जिकला टाइम टीवी को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज वेख रहे आप सब का स्वागत करें। खबरें शुरुआत करांगे पर एक नजर हेडलाइंस से। कैप्टन ते सिद्धू दे रिश्ते विच आई कटा, नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी नाल गलत की मुलाकात, सौंपिया पत्र, राज दे मौजूदा घटनाक्रम बारे दी जानकारी। कठुआ जिले में 8 साल बच्ची नाल हुए जबर जनाह मामले में 7 दोषियों में 5 नूं अदालत ने ठहराया दोषी, पठानकोट अदालत वल्लों थोड़ी देर में सुना जाएगा फैसला। उते इंतजार दियां घड़ियां खत्म, पुटे गए बोरवेल में उतरी बचाव टीम, किसी भी पल बोरवेल तो बाहर आ सकता है फतेहवीर, उधर देरी ते जनता का फुटिया सबर। मशहूर एक्टर गिरीश कनारड का देहांत, फिल्म इंडस्ट्री में सोग की लहर, राष्ट्रपति के पीएम मोदी ने दुख का किया प्रगटावा। खबरें शुरुआत करांगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने आज कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी नाल मुलाकात की है। इस मौके प्रियंका गांधी भी उत्थे मौजूद सी। सिद्धू ने राहुल गांधी नूं एक पत्र भी सौंपे। इस तो इलावा उन्होंने राज दे मौजूदा घटनाक्रम बारे भी पार्टी प्रधान नूं जानकारी दी है। सिद्धू ने कांग्रेस प्रधान नाल मुलाकात की तस्वीर नूं अपने ट्विटर अकाउंट ते भी शेयर किया है। इस तस्वीर का सिद्धू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा और सीनियर कांग्रेस नेता अहमद पटेल नाल दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू ने फोटो नाल लिखा है कि कांग्रेस प्रधान राहुल नाल मुलाकात की है, उन्होंने अपना पत्र सौंपया और स्थिति बारे उन्होंने जानकारी दी है। दर्शनयोग है कि नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह विच इसे समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैप्टन सिद्धू की कारगुजारी से सवाल खड़े कर रहे कि उन्होंने मंत्रालय भी बदल चुके हैं, जिस तो बाद सिद्धू ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। इस मामले कारण सिद्धू कांग्रेस हाईकमान को पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल बच्ची नाल होए जबर जनाह ते हत्या के मामले नूं लैके अज पठानकोट विच जिला सैशन जज तेजविंदर सिंह अदालत विच सुनवाई हो रही है। सुनवाई दौरान अदालत वल्लों 7 दोषियों विचों विशाल जंगोत्रा नूं छड्ड के बाकी 6 दोषियों नूं करार दिता गया। अदालत ने विशाल नूं बरी कर दिता है। इत्थे दसणयोग है कि विशाल जंगोत्रा मामले के मुख दोषी सांझे राम का बेटा है। उते कठुआ जबर जनाह अते हत्या मामले विच जिला सैशन जज तेजविंदर सिंह की अदालत वालों थोड़ी देर विच फैसला सुनाया जाएगा। इस गल की जानकारी पीड़ित लड़की के वकील मोमीन फारूखी वालों दी गई है। उधर भगवानपुरा पिंड 2 साल का फतेहवीर 73 घंटे बीतन तो बाद भी 150 फुट डूंगे बोरवैल में फसया होया। पुटाई का काम खत्म होने तो बाद बोरवैल के बराबर पुटे गए बोरवैल में NDRF की टीम अरदास करके उतर गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही समय में फतेह को बोरवैल में बाहर कढ़ लिया जाएगा। फतेहवीर के बाहर आने पर डॉक्टरी की टीम वालों उसकी जांच की जाएगी, जिस तो बाद अगली कार्रवाई की जानी है। इसलिए जल्द ही डॉक्टर की टीम भी उसके बाहर आने का इंतजार कर रही है। इस समय फतेहवीर को देखने मौके पर हजारों की गिनती में लोग मौजूद ने। पिछले 4 दिनों तो फतेहवीर लिए अरदास कर रही हर अख फतेहवीर को सही सलामत देखना चाहती है। फतेहवीर किसी भी पल बोरवैल तो बाहर आ सकता है। उधर संगरूर जिले के सुनाम लुंगवाल रोड से स्थित पिंड भगवानपुर विखे 6 जून की शाम को बोरवैल में डिगे फतेहवीर सिंह प्रशासन अजे तक बाहर नहीं कढ़ सकया। फतेह को बाहर ना कढ़न से लोगों का सरकार से प्रशासन प्रति गुस्सा फुटना शुरू हो गया। जानकारी अनुसार घटना स्थान से मौके पर मौजूद लोगों ने ढिली कार्रवाई को लेकर प्रशासन का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने अजे तक फतेहवीर की लोकेशन का पता नहीं लगन सकन वाली सरकार से प्रशासन को निकम्मा अते फेल साबित कर दिता है। दस दई कि 2 साल का फतेहवीर 9 जून बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब खेड़ा खेड़ा बोलवैर जा डिगया, जिसनों करीब 90 घंटे बीत जाने के बावजूद अजे तक बोरवैल चो कढ़िया नहीं जा सकया।
बढ़ते हैं कुछ होर खबरों वाल। मशहूर एक्टर गिरीश कर्नाड का 81 साल की उम्र में आज बेंगलुरु में देहांत हो गया। उन्होंने देहांत का कारण मल्टीपल ऑर्गन का फेल होना दसा जा रहा है। गिरीश लंबे समय तो बीमार सन, पिछले कुछ महीनों तो उन्होंने इलाज चल रहा है। गिरीश कर्नाड को 1978 आई फिल्म भूमिका लिए नैशनल अवार्ड भी मिले। उन्होंने साल 1998 साहित्य के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ अवार्ड नाल भी नवाजा जा चुके। गिरीश कर्नाड अजिहे अभिनेता ने जिन्होंने कमर्शियल सिनेमा नाल सिनेमा लिए भी काम खोख किया है। उधर गिरीश कर्नाड के देहांत नाल सिनेमा के साहित्य जगत में सोग की लहर छाई हुई है। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने मशहूर नाटककार अभिनेता गिरीश कर्नाड के देहांत से डूंघा दुख का प्रगटावा किया है। उन्होंने दुख जाहिर करते हुए आख्या कि आने वाले सालों में उन्होंने उन्होंने काम लिए हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाड के देहांत नाल भारत का सभ्याचारक जगत सुना हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज विधानसभा में विधायक के तौर पर सहु चुकी है। विधानसभा स्पीकर NP प्रजापति ने कमलनाथ को विधानसभा कैंपस में सहु चुकाई है। इस मौके प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा, गृहमंत्री बाला बच्चन, नेता विरोधी गोपाल भार्गव समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद सन। कमलनाथ हाल ही में छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करके विधानसभा के मैंबर बने ने। उन्होंने पिछले साल सरद संभल को राज के मुख्यमंत्री के तौर पर सहु चुके थे। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सूबे के लद्दाख खेत्र में एक सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिवारों लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। नाल ही मृतकों के परिवारों प्रति अपनी हमदर्दी प्रगटाई है और जख्मियों के छेती सेहतमंद होने की कामना की है। राज्यपाल ने हादसे में जख्मी सारे लोगों को 20,000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया। भारी जीत नाल सत्ता विच दुबारा परती नरेंद्र मोदी सरकार इस बार रोजगार ते सब तो वध जोर देन जा रही है। जानकारी मुताबक सरकार वख-वख केंद्री विभागों विच 2 साल दौरान 5 लाख भर्ती करने की योजना बना रही है। इस कदम नाल खजाने ते तनखाह दे बिल का बोझ वधेगा, पर इस दे बावजूद अगले 2 साल दौरान 5 लाख लोगों नूं सरकारी नौकरी दी जा सकती है। पिछले कार्यकाल में रोजगार को रफ्तार ना दे सके सरकार ने इस बार हाल ही में इस संबंधी एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। 2017-18 दौरान शहरों के पिंडों में बेरोजगारी वड्डे पद्धर से रही थी। 2017-18 दौरान नौकरी योग शहरी नौजवानों में 7.8% बेरोजगार सन, जदों की पिंडों में यह आंकड़ा 5.3% सी। सरकार मोटरसाइकिल ते स्कूटरां ते GST दर 28% तो घटाउण दा विचार कर रही है। सूत्र दा आखणा है कि 20 जून नूं होण वाली GST परिषद दी बैठक विच आटोमोबाइल समेत कुछ आइटम्स नूं 28% स्लैब चों बाहर करन दा विचार हो सकदा है। सूत्रां मुताबक सरकार मंग विच नरमी नाल निजिटण लई इह कदम उठा रही है। कुछ राजां ने भी टैक्स दरां घटाउण दा समर्थन कीता है। उत्ते वधदी आबादी अते इस दे नाल ही वध रहा है प्रदूषण, जिन्हां विचों इक है प्लास्टिक प्रदूषण, जो कि भारत लई वड्डी समस्या बनता जा रहा है। भारत लई प्लास्टिक समस्या दिनों दिन वधदी जा रही है। भारत नूं स्वच्छ बनाउण दा सुपना मनो सुपना ही रह जाएगा। साडे रोजाना दी जिंदगी विच पोलो बैग, रैपर, पैकेजिंग, प्लास्टिक कप आदि वरते जांदे ने। इह सब प्लास्टिक दा ढेर सड़कां ते पिया होया हुंदा है जां साडे जल भंडारां विच। हाल ही विच नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 25 सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं हुक्म का पालन ना करने से सख्त कार्रवाई अपनाने का हुक्म जारी किया। अमृतसर के सुल्तानविंड इलाके में एक नवविआही लाड़ी ने पति ते सौरा परिवार तो दुखी होकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक लड़के का नाम हरमन दसा जा रहा है। एक महीना पहला ही उसका विआह इतों के लव नामक नौजवान नाल होया सी। मिली जानकारी मुताबक विआह तो बाद सौरा परिवार लड़की नूं दाज लई तंग परेशान करन लग्या अते उसकी कुटमार भी की गई, जिस तों दुखी होकर हरमन ने आत्महत्या कर ली है। हरमन की मौत तो बाद जो पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की तो मृतक के परिवार ने थाने का घिराव करके रोस प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। हरमन की मां का आखना है कि उन्होंने धी को तंग परेशान किया जा रहा है और दाज लिए उसकी कुटमार की जाती थी। इस तो दुखी होकर उसने आत्महत्या की है। दूजे पास पुलिस का आखना है कि मामले में बनती कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
लुधियाना विच दुराहा नेड़े एक बस पलटन कारण करीब डेढ़ दर्जन लोग जख्मी हो गए ने जिन्हां नूं लुधियाना दे सिविल हस्पताल विच दाखिल करवाया गया जिन्हां विच एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है जदों की बाकी नूं इलाज बाद छुट्टी दे दित्ती गई है। पीड़ितों मुताबक वह सारे माता नैना देवी तो मत्था टेक के आ रहे सन अते बठिंडा नूं जा रहे सन। बस विच करीब 35 लोग सवार सन अते सारे आपस विच रिश्तेदार सन। सो इस दे नाल ही समें दो आ गया देश विदेश दीआं होर खबरां वेखण लई जो चढ़दी कला टाइम टीवी। धन्यवाद।